इंग्लिश को सिर्फ एज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हमने एक पेपर पास करना होता है, मार्क्स लेने होते हैं, दैट्स इट। लर्निंग का सिर्फ कोई एक टूल नहीं होता, दे आर नॉट ओनली द बुक्स। अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले सुनना होगा। हमारे यहाँ ये भी सोचा जाता है कि हमें शायद एनवायरमेंट मिलेगी तो हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आज के दौर में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट यूट्यूब है। इंस्ट्रक्शंस वो उर्दू में देते हैं और फिर वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। हम क्यों चेंज करें दी और द को? वर्ड तो एक ही है। CSS में अभी तक सब्जेक्ट प्रेपरेशन हो रही है, दे डोंट फोकस टू मच ऑन स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये पिछले कई सालों से टीचिंग कर रही हैं, ये बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में भी पढ़ा चुकी हैं और रोशन पब्लिक स्कूल जो कि कराची में है वहाँ पे भी पढ़ा चुकी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में इनका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, और इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश जो लोग सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ ऐसी ऐड करें जिससे उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इन्हेंस हो जाएं और वो बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे सीखा और कैसे ये पढ़ा रही हैं और इनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इफ़त मलिक साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इंग्लिश लिटरेचर में आपने मास्टर किया और बेशुमार इदारों में आप बतौर टीचर सर्व भी कर चुकी हैं, मुझे ये बताइएगा ये पढ़ाने का शौक और इंग्लिश सीखने का जज्बा ये आपके अंदर कब और कैसे डेवलप हुआ? इफ़ आई गो बैक, इफ़ आई वॉक टूवर्ड माई पास्ट, माजी की झरोखों में मैं झांकूँ तो मुझे लगता है कि क्लास फाइव से मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद थी, उर्दू और इंग्लिश दोनों। एंड आई ट्राई टू गेट फ्लुएंसी इन बोथ लैंग्वेजेस रिगार्डिंग द ग्रामर, रिगार्डिंग हाउ वी कैन स्पीक देम प्रॉपरली। आई एम वेरी गुड इन उर्दू टू। मैं उर्दू बिल्कुल अहले ज़बान की तरह बोलती हूँ और लैंग्वेजेस मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी, दे वर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स। एंड क्लास फाइव ऑनवर्ड मैंने इन्हीं पर ज़्यादा वर्किंग की और वहीं से मैंने सोचा था कि दिस विल बी माई प्रोफेशन। एंड एक्चुअली टीचिंग इज़ थॉट टू बी वेरी मॉडेस्ट प्रोफेशन इन आर कंट्री, तो मुझे शुरू से ये शौक था कि आई विल टीच। बट रादर टीचिंग हाउ आई चेंज इट, उर्दू में तो फ्लुएंसी हासिल कर ली, बट आई फेल्ट कि हमारे मुल्क में जब ट्रेंड चेंज हो रहा था, लोग इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और इंग्लिश सीखना चाह रहे थे और इट वाज़ गेटिंग अ प्रेस्टीज इन आवर कंट्री, तो मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स इन लिटरेचर करना चाहिए। तो लिटरेचर एक्चुअली आपको अदबी ज़ौक तो देता है जब आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं या मिल्टन को पढ़ते हैं या गालिब को पढ़ते हैं या इकबाल को पढ़ते हैं, बट दे कैन नॉट टीच यू हाउ टू स्पीक। तो इसके लिए मैंने ट्यूशन सेंटर बनाया, आई डिड जॉब्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, देन आई स्टार्टेड अ ट्यूशन सेंटर, आफ्टर दैट आई डिड मास्टर्स इन टैफल। बहुत से लोग पाकिस्तान में इसके बारे में नहीं जानते। दिस डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली अबाउट टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इसमें आपको टीचिंग मेथडोलॉजीज सिखाई जाती हैं। द होल पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड वॉज चेंज्ड एज आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर फर्स्ट। जब मैंने टैफल किया तो मुझे पता चला कि इंग्लिश सिखाने के लिए लोगों को हमारे बैकग्राउंड में, हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल में इंग्लिश को सिर्फ एज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसको एज अ स्किल या कम्युनिकेशन टूल के तौर पर नहीं पढ़ा जाता। हमने एक पेपर पास करना होता है, मार्क्स लेने होते हैं, दैट्स इट। हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। टीचिंग मेथडोलॉजीज में जब मैंने मास्टर्स किया तो वहाँ मुझे पता चला कि इंग्लिश एक फंक्शनल होती है, एक नोशनल होती है, एक ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल वही होती है जिसमें हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं और उसको हम अपने लिए आसान बनाते हैं सीखने के लिए सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम, मैं ये चाहूँगा कि आप नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, जो लोग स्पोकन इंग्लिश के हवाले से उसको सीखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं,
वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करें, कोई बुक्स पढ़ें या इसको सुने, किस तरीके से वो अपनी स्पोकन को बेहतर कर सकते हैं? देखिए अली, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया आपने। आज के दौर में हम किसी को ये सजेस्ट करें कि वो क्या करें, आई थिंक के लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। इट्स नॉट द एरा ऑफ बुक्स ओनली। आपको बेतहाशा मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाते हैं, बहुत से टीचर्स मिल जाते हैं जो नॉन इंग्लिश भी हैं और इंग्लिश भी हैं। मैं इसमें बहुत सी एग्जांपल देना चाहूँगी, लाइक साइमन साइनक हैं, हेडार हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं। दे आर टीचिंग यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड दे आर वेरी देर स्ट्रैटेजीज, देर टेक्निक्स आर वेरी गुड। इट्स और लर्निंग का सिर्फ कोई एक टूल नहीं होता, दे आर नॉट ओनली द बुक्स। और हमेशा बुक्स हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इफ़ पीपल वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे कैन गेट द बुक्स, दे कैन वॉच द वीडियोज, दे कैन वॉच द मूवीज। बट द थिंग दैट वन मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले सुनना होगा। स्पीकिंग हमेशा लिसनिंग से रिलेट करती है। वेन यू विल लिसन मोर, you will have more vocabulary, you will have more accents, you will have more style, and then you have to practice. हमारे यहाँ ये भी सोचा जाता है कि हमें शायद environment मिलेगी तो हम English बोलना सीखेंगे। हम ये नहीं सोचते कि there is actually a person in our mind who is listening us. When we speak, we listen to ourselves. And for that practice, you can speak alone. This is called खुद कलामी। खुद कलामी करते हुए भी आप सीख सकते हैं अगर आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो। बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत से टूल्स हैं। एक्चुअली ये आपके पैशन पर डिपेंड करता है कि आप किस टूल को लेना चाहेंगे, किससे सीखना चाहेंगे। मैम, टीचिंग के साथ साथ अभी रिसेंटली आपने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया लेट्स लर्न इंग्लिश के नाम से। मैं चाहूँगा कि आप बताएं उसमें आप किस किस्म की वीडियोस अपलोड करती हैं और वो किस तरह से, उसका पर्पस क्या है? ओके, मैंने जब चैनल बनाने का सोचा, क्योंकि मैं यूट्यूब से बहुत कुछ लर्न करती हूँ, आई थिंक कि आज के दौर में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट यूट्यूब है। तो मैंने जब अपने पाकिस्तानी टीचर्स को देखा जो टीचिंग इंग्लिश टीच कर रहे हैं, दे वर स्टिल डूइंग दैट विद ऑर्थोडॉक्स स्टाइल एंड दैट ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल। दे वर टीचिंग इंग्लिश, दे आर टीचिंग इंग्लिश इन उर्दू। इंस्ट्रक्शंस वो उर्दू में देते हैं और फिर वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कन्वर्जन में ले जाएं, आप चेंज कर दें उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को। मैंने जब चैनल बनाया तो मैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी सिखा रही हूँ, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन में इंग्लिश में देती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मैथड, टू टीच इंग्लिश इन अ डायरेक्ट मैथड वेयर यू गिव इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड वेन यू टीच इन इंग्लिश। एंड एक्चुअली इन माई चैनल आई एम डीलिंग with the delicacies, the intricacies of the language that I learned after doing masters in TEFL. बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको बड़ा मज़े का एक इवेंट बताऊँ। The first video that I posted on my channel was that the difference between the and the, and it was really a new thing for the people कि हम क्यों चेंज करें the और the को, वर्ड तो एक ही है। अब जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, हम उसकी आवाज़ों पर फोकस करेंगे, साउंड्स पर, फोनिक्स पर काम करेंगे, हम उसके कॉन्सोनेंट्स और उसके वोवल्स पर काम करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें फ्रीक्वेंटली कुछ वर्ड्स को चेंज करना होता है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे तो हमारा जो अंदाज होगा वो बिल्कुल बेजान होगा, स्टिल्टेड होगा, बोरिंग होगा, मोटिवेटिंग नहीं होगा। तो बेसिकली मैं जो टीच कर रही हूँ लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के साथ साथ लैंग्वेज की डेलिकेसीज को टैकल कर रही हूँ इसमें। मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग इंग्लिश से रिलेटेड ख़ास तौर पे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सीएसएस में भी इंग्लिश आती है, पीएमएस भी है और इसके अलावा बेशुमार एग्ज़ाम है, उनकी प्रिपरेशन के हवाले से आप उन्हें क्या टिप देंगी कि इंग्लिश में वो मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं? अगेन, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन करते हैं तो आपके पास एक सर्टन सिलेबस होता है। याद रखिएगा, कोई भी ज़बान हो वो अपने चार मीडियम्स पर काम करती है।
और वो रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग होते हैं और आपका सारा कोर्स उसी पर डिज़ाइन किया जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम हमारी कंट्री में जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर हम आइट्स की बात करें तो उसमें आपका स्पोकन भी चेक किया जाता है। CSS में अभी तक सब्जेक्ट प्रेपरेशन हो रही है, दे डोंट फोकस टू मच ऑन स्पीकिंग। आपने उसमें भी ग्रामर को, स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज के इन चीज़ों को, और वो क्योंकि पूरा सिलेबस डिज़ाइन हुआ होता है वो इन्हीं चीज़ों पर बेस करता है। आपने राइटिंग कैसे करनी है, उसमें ऐसे राइटिंग की टेक्निक सिखाई जाती हैं, एक पेपर ही ऐसे राइटिंग का होता है उसमें। इसके अलावा आपकी ग्रामर नो हाउ कैसी है, आप स्ट्रक्चर कितना जानते हैं लैंग्वेज का, इस सब के बारे में बात की जाती है। तो जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप इन्हीं चारों टूल्स के हवाले से पढ़ाएंगे। मैम, आप अपने स्टूडेंट्स को या जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको कौन सी बुक्स रेकमेंड करती हैं जिनसे वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें? आप जब भी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू पुट योर पैशन इनटू इट। आपके पास ट्रू पैशन होना चाहिए। आपको आपका ट्रू पैशन डायरेक्ट करता है आपके डेस्टिनेशन की तरफ, आपके गोल की तरफ। मार्केट में ऐसी बहुत सी बुक्स मिल जाती हैं जिनके टाइटल इस तरह के होते हैं कि लर्न इंग्लिश इन 30 डेज, एंड आई रेड दोज बुक्स इन माई चाइल्डहुड डेज टू। और उसमें वही होता है कि इंग्लिश उर्दू के उर्दू को ट्रांसलेट किया होता है इंग्लिश में। वो बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। What you have to do, you have to learn them. आपने उन्हें रट्टा लगाना है, क्रैम करना है, and after that, if you will not find the environment, where will we use that sentence? Please bring water for me. Please bring a glass of water for me. Please fetch water for me. Actually, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, जब तक आप उस नॉलेज को, वो जो इनपुट आपने लिया है, उसको उसका आउटपुट नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसे अप्लाई नहीं करेंगे, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। आप ये सोचते हैं कि मैं इनपुट ले रहा हूँ, इट्स मोर देन अनाफ फॉर मी, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, आपने बोला नहीं, एक सिंपल सेंटेंस को नहीं बोला, यू कैन नॉट स्पीक इट। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू। मैम, इंग्लिश को पढ़ाने के अलावा और आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इसके साथ साथ आप और कौन कौन से काम करती हैं? बेसिकली आई एम मल्टी फेसेटेड पर्सन और आई लाइक टू ग्रैब एवरीथिंग दैट कम्स इनटू कांटेक्ट विद मी। आई एम अ वेरी गुड रीडर, आई एम अ वेरी गुड गार्डनर। गार्डनिंग मेरा पैशन है। हाउस होल्ड चोर्स की हम बात करें तो आई लव टू डू स्टिचिंग एंड आई लव टू टीच। The first and foremost passion of mine is teaching. After that, gardening. मैम, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया हो जब आपने किसी मुश्किल या किसी ट्रेजेडी का सामना किया हो, तो उसमें आपने उसको मैनेज कैसे किया, उससे बाहर कैसे निकले? देखिए अली, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त ना आए। हम इंसान हैं और उतार चढ़ाव इंसानी ज़िंदगी में आते रहते हैं। आप उसके साथ कैसे कोप करते हैं, आपको उससे कोप करने के लिए अल्लाह ताला ने एक जाइंट ब्रेन दिया है। आपको पता है कि दिमाग हमें उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम फिक्स किया है अल्लाह ने कि हमें किसी भी ट्रबल से बचाने के लिए वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है। इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना ऑफ आवर ब्रेन। फिर हम कुछ स्ट्रैटेजीज सीखते हैं। आपने डिप्रेशन से कैसे कोप अप करना है, आपने डिफ़िकल्ट टाइम से, आपको पता है कि इंसान सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। इंसान तिब्बत के पहाड़ों में रहता है एक कुर्ता पहनकर, हिमालय के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करता है, बहुत गर्म इलाकों में भी रहता है, सहारा में भी लोग रहते हैं, एरिजोना में भी लोग रहते हैं। हाउ डू दे डू दैट? एक्चुअली ये हमारा वो सिस्टम है जो हमारे अंदर लगाया गया है हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे। इसमें एक बड़ा मज़ेदार इवेंट है कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी थॉट्स आएँ, तो बेसिकली ख़ुद को साइड पर करके आप उन थॉट्स को पढ़ें, व्हाट दे आर अबाउट। अच्छा, वो थॉट्स आपको खुद डायरेक्ट करेंगी कि व्हाट विल बी द सोल्यूशन। There is everything inside us. Problem is to sit with yourself and to get. Aisa nahi hai ki problems nahi hote. Life is not a bed of roses. Problems ko tackle karne ka sabka apna tarika hota hai. Theek ho. Ma'am, mujhe ye bataiye ga ki Qasim Ali Shah sahab ke kaam aur unki foundation ke bare mein aapki kya raaye hai?
जब मैं उनसे मिली या मुझे लगा कि मुझे मुझे एक्सपोयर मिला यहाँ आने का, कासिम अली शाह साहब को कौन नहीं जानता, डेफिनेटली ही इज़ अ ग्रेट मैन, इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उनका जो एम है लोगों को देने का, सिखाने का, इन्वायरमेंट को चेंज करने का, इट्स वेरी फैसिनेटिंग एंड मेस्मराइजिंग। ऐसा नहीं होता लोगों के पास इल्म हो तो वो उसे किस लेवल तक बांट सकते हैं या वो लोगों को क्या दे सकते हैं। मुझे लगता है कि गिवर होना सबसे मुश्किल है, और शाह साहब की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो गिवर हैं। उनके पास जो कुछ है, इल्म है, वट एवर ही हैज़, ही इज़ गिविंग इट टू आवर नेशन। वो इसको चेंज करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली द फैसिनेटिंग क्वालिटी ऑफ हिम। बहुत बहुत शुक्रिया इफ़त मलिक साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग इंग्लिश लिटरेचर और ख़ास तौर पे स्पोकन इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं कि हम किस तरह अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को ऐड करके अपने स्पोकन इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।